चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिमाचल प्रदेश के 5 उत्पाद और जीआई टैग। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, हिमाचल के इन 5 उत्पादों में क्या खास है, भौगोलिक संकेत क्या होता है और इससे संबंधित शासकीय निकाय क्या है, जीआई टैग कैसे मदद करता है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के 5 उत्पादों करसो कुलत, पागी के थागी, चंबा धातु शिल्प, चंबा चुक और भरमौर के राजमा के लिए जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेत प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में हिमाचल के 4 हस्तशिल्प कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल और कांगड़ा पेंटिंग, 3 कृषि उत्पाद कांगड़ा चाय, बासमती और हिमाचली काला जीरा और एक विनिर्मित उत्पाद हिमाचली चूली तेल को जीआई टैग प्राप्त है। हिमाचल के इन 5 उत्पादों में क्या खास है, करसो कुल्थी या कुलत और घोड़ा चना हिमाचल प्रदेश में खरीफ की फसल के रूप में उगाए जाने वाला एक फल है। मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में पैदा होने वाले कुलत अमीनो एसिड में विशेष रूप से समृद्ध है। पागी की थागी एक प्रकार का हेजलनट है जो हिमाचल के उत्तर पश्चिमी शोर में स्थित पागी घाटी में उगता है। यह अपने अनोखे स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। चंबा धातु शिल्प जिसमें धातु की मूर्तियां और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं शामिल है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से चंबा के राजाओं के दरबार में कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था, व्यापार को पुनर्जीवित करने के प्रयास हैं। और एक पीतल जैसी मिश्र धातु से बनी प्लेट और देवी देवताओं की नक्काशी अभी भी लोकप्रिय है। चंबा चुक चंबा में उगाई जाने वाली हरी और लाल मिर्च से बनी चटनी है और पारंपरिक और अनोखी तरीके से तैयार की जाती है। चंबा के ग्रामीण परिवारों में इस प्रथा में काफी हद तक गिरावट आई है, लेकिन यह औद्योगिक स्तर पर कुछ हद तक जीवित है। भरमौरी राजमा चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में कुकती दर्रे के आसपास के क्षेत्र में उगाया जाता है। इसे विशेष रूप से कुक तालू राजमा कहा जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है। भौगोलिक संकेत क्या है, भौगोलिक चिन्ह या संकेत और जीआई टैग का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यतः योगदान देती हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे शैंपेन, दार्जिलिंग आदि। दूसरे हैं गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबद्ध है, जैसे अल्फांजो, बासमती आदि। जीआई टैग से संबंधित शासकीय निकाय कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक चिन्ह या संकेत और जीआई टैग विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू पर बने समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल 1-2 और 10 के तहत भौगोलिक चिन्ह या संकेत IPR के एक तत्व के रूप में शामिल किए गए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू के आर्टिकल 22 से 24 में भी इसका प्रावधान है, जो उरुग्वे के GATT वार्ता सम्मेलन के समझौते का हिस्सा था। भारत में भौगोलिक चिन्ह या संकेतों को वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह
पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 अधिशासित करता है। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। GI टैग कैसे मदद करता है? GI टैग इन उत्पादों के लिए एक बेहतर बाजार प्रदान करता है और नाम के दुरुपयोग को रोकता है। GI पंजीकरण एक क्षेत्र को दिया जाता है। एक बार जब कोई उत्पाद पंजीकरण प्राप्त कर लेता है, तो उत्पाद में काम करने वाले व्यापारी इसे GI प्रतीक चिन्ह या लोगों के साथ बेचने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत व्यापारियों में प्रत्येक को एक अद्वितीय GI नंबर सौंपा जाता है। लुधियाना में बने एक शॉल को कुल्लू की शॉल के रूप में नहीं बेचा जा सकता। यदि कोई अनधिकृत व्यापारी यहाँ तक कि कुल्लू से भी कुल्लू शॉल के नाम से एक शॉल बेचने की कोशिश करता है, तो उस पर वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। GI टैग से उन वस्तुओं को बढ़ावा देने या पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाती है जिनके उत्पादन में गिरावट आई है। आज का प्रश्न है, करसो कुलत किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी उत्तराखंड और विकल्प डी जम्मू कश्मीर। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.